उन्नाव में अखंड भारत के संकल्प के उपलक्ष्य में विमल द्विवेदी के नेतृत्व में गत वर्षों की भांति 14 अगस्त को हिंदू जागरण मंच की प्रस्तावित विशाल तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में अब तैयारियां जोरों पर हैं। इसी क्रम में कचहरी के पास तिरंगा यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर एक सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे द्वारा किया गया। वहीं विमल द्विवेदी ने समर्थ मां समर्थ भारत की अध्यक्षता अनीता द्विवेदी के साथ मिलकर जिलाधिकारी को प्रतीक चिन्ह अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। विमल द्विवेदी ने बताया 151 मीटर तिरंगे के साथ निकलने वाली यात्रा को भव्यता दिव्यता मिल सके, इसलिए अधिक से अधिक जनपद वासी इसमें जरूर शामिल हो। वर्षों के बाद इस वर्ष भी जैसा कि हिंदू जागरण मंच और नरसेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में एक अखंड भारत संकल्प के साथ हिंदू जागरण मंच और नरसेवा नारायण सेवा द्वारा एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन गत वर्षों के बाद 14 अगस्त 2023 को निकलने वाली विशाल तिरंगा यात्रा के आज सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। इसमें आम जनमानस को युवाओं को जागरूक करने के लिए भारत माता और चंद्रशेखर आजाद जी के सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं, जिसमें लोग अपना सेल्फी डालकर तिरंगे के प्रति अपना भाव प्रकट कर सकें। लाखों लाख जो 7.5 लाख से अधिक बलिदानी हैं उनके प्रति हम लोग कृतज्ञता जाहिर कर सकें। ऐसे एक भाव के साथ विशाल तिरंगा यात्रा आगामी 14 तारीख को निकलने वाली है, जिसमें सैकड़ों भव्य झांकियाँ होंगी। 151 मीटर तिरंगा होगा। रामलीला ग्राउंड से लेकर आवास विकास वृंदावन गार्डन तक ये यात्रा निकलने वाली है, जिसमें आर्मी बैंड व तमाम आकर्षण झांकियाँ रहेंगी। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।